नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्पण। मीडिया दर्पण आदापुर से मैं जयन प्रसाद। श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ को लेकर कलश यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। बता दें कि आदापुर प्रखंड मुख्यालय स्थित कचुरबारी ग्राम में राम जानकी मंदिर स्थित श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ जो 9 दिवसीय है आयोजित की गई है, जिसमें आज गाजे बाजे के साथ वही सज धज कर हाथी भी इस कलश यात्रा में शोभा बढ़ा रहा है। इस शोभा यात्रा में सैकड़ों साइकिल सवार, मोटरसाइकिल सवार नवयुवक भगवा झंडा लिए हुए वह माथे पर भगवा पट्टी बांध कर जय श्री राम के नारे लगाते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं ये मदमस्त गजराज हाथी इस शोभा यात्रा में 4 चांद लगा रहा है। वहीं ये मतवाले युवक नवयुवक जय श्री राम के उद्घोष करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वहीं ये इसमें महंत संत बैठे हुए हैं इस रथ में। गांव के गणमान्य लोग भी इसमें शामिल है। वॉलंटियर्स विधि व्यवस्था के लिए डटे हुए हैं। ये महिलाओं की कतार शुरू हो गई है जो कलश लेकर के कलश यात्रा में चल रही है। हजारों की संख्या में ये युवक युवतियां व महिलाएं हैं जो कचुरबारी राम जानकी मठ से चलकर गाजे बाजे के साथ ये शोभा यात्रा श्यामपुर बाजार मुख्य पथ से चलते हुए बैंक रोड स्टेशन चौक होते हुए श्यामपुर गांव नहर चौक से भलवहिया भवनपुर के हुए दुधौरा नदी निकड़िया नदी के तीन मुहाने पर ये जलबोझी करेंगे और पुनः जग स्थल पर ये सारे श्रद्धालु पहुंचेंगे। कहाँ से कहाँ जाके कड़िया में सब जो होगा सूर्य वाला भवन होता है कड़िया में।
बलिया मानसी बलिया घाट पर बाजार घूमने लगेंगे, बिलवा होते हुए, अठारह होते हुए, भोलपुर होते हुए।